नमस्कार, मैं आशु। प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर राजस्थान के सागवाड़ा से है, जहां चुबीसा समाज संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता व प्रतिभा सम्मान समारोह का समापन समारोह पांडवा में किया गया। ये क्रिकेट प्रतियोगिता सभी युवा वर्ग के लिए महाकुंभ जैसा आयोजन रहता है। युवा वर्ग जो बाहर पढ़ाई रोजगार के हिसाब से बाहर रहते हैं, वह होली दीपावली त्योहारों पर ना आकर शीतकालीन अवकाश में इस महाकुंभ के लिए अपने गाँव आते हैं। ये महाकुंभ क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम पर मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष इसका आयोजन डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा तहसील के पांडवा गांव में किया गया। बहुत ही रोमांचक उतार चढ़ाव वाले मैचों का आनंद मिला। अंत में मेज़बान पांडवा और सागवाड़ा के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें सागवाड़ा ने एक तरफा अंदाज में पांडवा को पराजित किया। इस अवसर पर हमेशा की भांति इस साल भी जयेश चौबीसा को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। बेस्ट बॉलर आशीष चौबीसा, बेस्ट बैट्समैन तरुण चौबीसा, नवोदित खिलाड़ी साहिल चौबीसा व हर्ष चौबीसा को दिया गया व सबको ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट परिणाम व चयनित अभ्यर्थी समाज के भामा शाह व दसवीं कक्षा व बारहवीं कक्षा की परीक्षा में 80% से ऊपर बनाने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में फौजी देवेंद्र चौबीसा को जैसे ही सम्मानित किया, पूरे प्रांगण में भारत माता की जय जयकार के नारे गूंजने लगे। इस अवसर पर 51,000 की राशि देने वाले त्रिभुवन जी चौबीसा को भी सम्मानित किया गया। अरे भैया निकलो, निकलना यहाँ से। धन्यवाद। कुछ तकनीकी के कारण माइक बंद था, लेकिन जरूर ठीक। और मैं सुरेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसने 4 दिनों के दरमियान बहुत अच्छी सेवा दी है। दूसरा होता तो परेशान होकर चला जाता, आता ही नहीं वापस, लेकिन ये अभी भी लगा हुआ है। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उप विजेता टीम पांडवा, पूर्व विजेता सरोदा से उप विजेता के रूप में अपना मेडल और मोमेंटो ग्रहण करते हुए मैं विजेता टीम सागवाड़ा 11 को तैयार रहने के लिए कहूँ। उससे पहले कुछ तकनीकी मिस्टेक हुई है, उसमें वर्षा चौबीसा, अनिल जी चौबीसा वरवासा, आपका सर्टिफिकेट बाकी है। आप भी मंच पर आमंत्रित हैं, आपका तकनीकी सहायक में चयन हुआ है। दूसरा रीता चौबीसा, चंद्रशेखर जी चौबीसा वरवासा, आप लेवल 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर आपका चयन हुआ है। समाज की ऐसी बहुत सारी ये थोड़ी सी गलतियां कहीं हुई, कुछ एक दो एक नाम हम छूट गए। सीए और एमबीबीएस ट्रेनिंग जो ले रहे हैं उनके लिए मैं क्लेरिफिकेशन करूं कि जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको हमने सम्मानित नहीं किया है। जो कमेटी यहां पर बैठी थी उन सब ने निर्णय लिया कि ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद जब उनका पोस्टिंग यहां पर हो जाएगा उस समय उनको समाज के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस साल जुड़े हैं, कहीं पर भी आप ये नहीं सोचते हैं कि जानबूझकर हमें छोड़ दिया। जो छूट गए हैं यकीन ये फिर तो नहीं है कि है हितेश भैया, मुकेश जी चौबीसा, हितेश जी आ जाइए। स्केटिंग तो बड़ा फास्ट चलता है भैया, शुभम पूरे जाए। विवेक नरेश चौबे, विवेक नरेश चौबीसा इधर देखो, इधर भव पंकज जी चौबीसा सेलोटा से, जो बास्केटबॉल में अभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया नहीं कर पाए। साथ साथ अशोक चौबीसा, रोहित चौबीसा जिन्होंने इस प्रतियोगिता में प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए 5,000 रुपये की आपको सम्मानित करता है। मैं समाज अध्यक्ष डूंगरपुर से निवेदन करूंगा हितेश जी का प्रमाण पत्र।
ब्लड बैंक में बहुत ही अच्छा योगदान किए। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में चयनित हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और कभी देखी सा कृष्णकांत जी चौबीसा ठाकड़ा से आपने वही शुरुआत की थी, चौबीसा रामनाथ जी चौबीसा सन ऑफ अंतिम चौबीसा सन ऑफ जयप्रकाश जी चौबीसा मोबाइल है। और कितने वाकई सर जयप्रकाश जी 56 इंच हो ही जाता है जब पुत्र का इनाम पिता लेता है। सन ऑफ देवेंद्र जी चौबीसा, आप डॉक्टर अजीत चौबीसा हैं, आपने भी MBBS किया है तो वर्धा में निवासरत हैं, आप भी मुंबई के हैं, अगर मुंबई से कोई साथी हो तो ये इनाम प्राप्त करो सर। हमारे समाज में भी IITian है। तुषार अरविंद जी चौबीसा फ्रॉम ठाकरगांव से, जिन्होंने IIT में हितार्थ चौबीसा, लोकेश जी चौबीसा जो आज के हमारे अतिथि हैं, दीपक जी इनके छोटे भाई हितार्थ हैं, लोकेश जी हैं, उनके पुत्र हितार्थ जी हैं जो IITian है। और IIT में चौबीसा समाज के आज तक के जितने भी सर्वश्रेष्ठ रैंक रही है वो हितार्थ चौबीसा रहे हैं। 2000 अंकल जी BHMS में चयनित होकर डॉक्टर की पदवी पाने के लिए तत्पर हिमानी मनोहरलाल जी चौबीसा देचा से, हमारे समाज का एक फौजी वहां पर देश की रक्षा करता है, दोनों हाथ खड़े करके इस ये होता है जज्बा देश के लिए, ये होता है जज्बा समाज के लिए। देश की रक्षा करता हमारा भाई फौजी, मैं जरूर आप लोगों से चर्चा करेंगे पूरा समर्पण दिया। चौबीसा योगी जी चौबीसा पांडवा से बहुत अच्छी अंग्रेजी में कमेंट भी करती है, अंग्रेजी में संचार आप लोग उनके लिए भी भेजा, आपके पास में आने वाले हम लोग। नंदिनी शर्मा मयंक शर्मा जो डोंगरपुर में रहते हैं, शायद सूरज गांव के हैं, कक्षा 10वीं में उनके बालक ने भी 93% अंक प्राप्त किया। सुरेंद्र जी मयंक जी के लिए, मयंक जी है ना, मयंक शर्मा द्वारा रूप से जल्दी आ जाए। मेहुल विनोद जी चौबीसा जो अंतिया प्रकार से है, आपने भी 12वीं में 82% अंक प्राप्त किया है। जानवी चौबीसा जी चौबीसा जो खेड़ा कछुआ सा से है, आपने 12वीं में 84% अंक प्राप्त किया है। गौरव राजेंद्र जी चौबीसा, आपने 10वीं में 80% अंक प्राप्त किए हैं खेड़ा कछुआ सा से। गौरव चौबीसा, नियति शशिकांत जी चौबीसा भाड़गा से, आपने भी 10वीं में 88% अंक प्राप्त किए हैं। चेतन जी, हाँ